आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं। मुझे नहीं लगता अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपने ऐसी कोई जगह कभी देखी भी होगी। यहाँ पे मतलब जो पहला कैमरा था ना, मतलब बहुत पहला कैमरा जिसकी सारी हम सिर्फ बातें करते हैं या इंटरनेट से फ़ोटो लेके देखते हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी गई है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कॉफ़ी का कोई मग हो या फिर कोई बैग हो, इसकी भी शॉपिंग होती है और वो पूरी कैमरा वाली है। मैं ये जगह देख के इतनी खुश हूँ, आप मेरे चेहरे पे तो देख ही सकते हो। सो आज आपके पूरा म्यूज़ियम देखोगे कैमरा का, म्यूज़ियम शॉपिंग सेंटर जो भी बोलो, बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी कि ये पूरा का पूरा लोकेशन कैसा है। ये जगह है, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री हग सैट म्यूज़ियम बनाया है। ये म्यूज़ियम है देखो, द मेकिंग ऑफ म्यूज़ियम कैमरा। तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी जो बहुत ही पुरानी फ़ोटो जर्नलिज्म वाली तस्वीरें है ये रखी है। इवन यहाँ का जो ये है फिश का है, इसमें भी कैमरा बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये, दिल्ली में है ये जगह, गुड़गांव हरियाणा में। आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। देखो ये सारे कैमराज है, ये कोर्ट बनाया है और ये कोर्ट में ये सारे कैमराज दिख रहे हैं आपको। ये देखो ये भी ऊपर भी कैमरा बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फुल फ्रेम कैमरा, जो मतलब कभी हम लोग इंटरनेट पे देखते हो, ये सब यहाँ पे लगाया गया है। ये स्टार्टिंग की ये पहली चीज़ है जो यहाँ पे रखी है। अभी अंदर चलते हैं। ये एक ऐसा कैमरा है, ये कैमरा को बोलते हैं वागेश्वरी कैमरा। आप देख सकते हो पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी है ये कैमरा की। हम वैसे तो राजा महाराजों की हिस्ट्री रखते हैं, यहाँ पे उस कैमरा की हिस्ट्री लिखी है कि इसको बनाने वाले जो कैमरा थे उनका नाम था के करुकरण और इनके पापा का नाम था कुंजू कुंजू भगवर था। और वो जो है पार्ट टाइम म्यूजिशियन थे, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे काम करते थे। उन्होंने एक स्टूडियो बनाया, फॉरेन मेड फील्ड कैमराज यूज़ करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि खुद का अपना एक कैमरा बनाना है और इसके बाद उन्होंने जो है अपना खुद का कैमरा बना के रिसर्च करके ये एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा बनाया जो बहुत सालों तक लोगों ने यूज़ किया। अभी हम लोग म्यूज़ियम में जा रहे हैं। देखो म्यूज़ियम, फोटोग्राफी का म्यूज़ियम है ये वाला। अभी इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है यहाँ। यहाँ पे इन्होंने पिनहोल कैमरा बनाया है। पिनहोल पता है क्या होता है कि पहले के ज़माने में सबसे पहला कैमरा, ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा था पिनहोल कैमरा। तो इसमें क्या होता था, देखो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, अगर लाइट जो है यहाँ पे इंसान पे पड़ रही है, इसके जो लाइट रेज है वो इसके अंदर जाएंगे, आप जो है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखते हो और फिर यहाँ पे अपनी जो फ़ोटो फिल्म है वो यहाँ पे आपको रखनी होती है और वो बन जाती है, ठीक है। ये सबसे पहला कैमरा था, जोसेफ निस्पोर निप्स ने ये पहला कैमरा बनाया था और इन्होंने यहाँ पे पूरा कमरा बनाया। देखो यहाँ पे इनका नाम भी लिखा है। इस फोटोग्राफर को बोला जाता है, इस कैमरा को बोला जाता है कैमरा ऑब्सक्योरा, ठीक है। देखो 19th century में ये पहला कैमरा बनाया था फ्रांस में। इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे चल रही है, मतलब बढ़िया है ना। यहाँ पे आप बैठ के पिनहोल कैमरा देख सकते हो। सी द डिफरेंस बिटवीन पिनहोल कैमरा एंड कैमरा ऑब्सक्योरा इज लेटर यूजेस अ लेंस व्हाइल द फॉर्मर डज नॉट। पिनहोल कैमरा में ना लेंस नहीं होते थे, जैसे ये जो लेंस है वो नहीं होते थे, वो डायरेक्ट जो है पर्दे पे चलता था। अभी इसमें लेंस डाल दिया, इसके लिए वो कैमरा ऑब्सक्योरा हो गया। ये जो है फादर ऑफ फोटोग्राफी कहा जाता है, सबसे पहला कैमरा इन्होंने बनाया था। इनके बाद मतलब ये जो था ना पिनहोल कैमरा, इन्होंने बनाया था। लुइस डोगेरा ने डोगेरा टाइप कैमरा बनाया था। डोगेरा टाइप कैमरा में फिल्म लगती थी, जो फिल्में होती थी ना, वो जो फिल्म वो इन्होंने चालू किया था सबसे पहले। जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शिल, तो हर्शिल कैमराज आए थे, इनके बाद इन्होंने ये किया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है अ कॉन्टेम्प्रेरी टैबलॉट एंड मतलब टैलबॉट एक कैमरा था, डोगेरा का दूसरा कैमरा था, एंड हर्शिल ने ये किया था। ये बिकेम इंटरेस्टेड इन कैमरा, क्या होता था ये फिल्म बनती थी पर कैमरा जो है उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाता था, तो जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शिल ने ये किया था। फिर फॉक्स टैबलॉट के कैमरा मॉडर्न कैमरा कहा जाता था, क्योंकि आप जो है एक फ़ोटो से 5 प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे जो इन्वेंशंस हुई है पूरी, जो है यहाँ पे 1835 से लेके अभी तक के सारे कैमरास और उसकी पूरी हिस्ट्री छाप दी है। तो एक के बाद एक हम लोग ये सारी चीज़ें देखें। ये जो हम लोग रोल्स बनाते थे, जो फिल्म्स बनती थी ना, उसको धोने के लिए ये सॉल्यूशन काम में आता था। उसकी भी बॉटल यहाँ पे रखी है, सोचो ज़रा, बॉटल भी यहाँ पे रखी है। देखो ये तब के ज़माने के फ़ोटोज़ हैं, पहले फ़ोटोज़ यहाँ पे रखे गए हैं। अभी कब, अब हम लोग को तो कभी शायद देखने को भी ना मिली ये सारी चीज़ें। इस सदी के 19वीं सदी के फ़ोटोज़ हैं ये सारे, 1854 19वीं सदी के फ़ोटोज़ सारे। देखो ये हेज़लब्लैट का सबसे पहला कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक, पहली फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक, देखो ये भी यहाँ पे रखी गई है।
हॉटमैटिक कैमरा, पोलोराइड, ये तो ऐसी कंपनियाँ जो आके चली भी गई पता भी नहीं चला. कुछ कुछ कंपनियाँ तो ऐसी रखी है. हिंदुस्तान की पहली फिल्म, हिंदू रोल फिल्म, ये इसको बोलते हैं लार्ज फॉर्मेट कैमरा. लार्ज फॉर्मेट कैमरा का मतलब होता है ये सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन क्वालिटी में. इसका डायनामिक रेंज सबसे बड़ा होता है और सबसे अच्छा होता है. अभी जैसे कि हम लोग एपेचर का सिर्फ वो स्क्रोल करते हैं ना, तो पहले के टाइम में ये लोग ने जो है एक वेयरहाउस स्टॉप रखा था. आपको जो है एपेचर चेंज करना, ये खोलो फिर दूसरा एपेचर डालो, ऐसे करके एपेचर बनाए थे. बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ है ये जो कैमरा है. इसको मैजिक लैंटर्न कैमरा बनाया कहा गया है. ये 16th century में, मतलब जब पिन होल कैमरा आया था उसके पहले 200 साल पहले ये कैमरा आ गया था. ये जो है जो भी पेंटिंग्स होती थी, जो भी आर्टवर्क्स होते थे उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्शन होता था उसके लिए ये बना गया. आज हम लोग बिल्ट इन फ्लैशेज़ यूज़ करते हैं ना, बिल्ट इन फ्लैशेज़ मिल जाते हैं, गोडोक्स की फ्लैशेज़ मिल जाती है. देखो ये पहले के ज़माने की फ्लैशेज है. ये क्या करती थी, सिर्फ एक बार फायर होती थी फिर बहुत लंबे टाइम तक रुक जाती थी. ये उसका पाउडर है. देखो ये सारी चीज़ें अब तक मैंने भी इंटरनेट पर देखी कि आज मैं ये सारी चीज़ें लाइव देख रही हूँ. इसमें ना वो पाउडर डाला जाता था और वो फटता था. जैसे वो फटता था वो फायर का गोला छूटता था और ऐसा लगता था वो चेहरे के ऊपर मतलब लाइट दे देता था अंधेरी जगह पर. एक बार सिर्फ वो फोटो कैप्चर होता था और यहाँ पे पाउडर रहता था और पाउडर से काम होता था. फिर धीरे धीरे वो लोग ने क्या किया कि ये सारी जो है ये स्टील वगैरह यूज़ करने लगे और इसके अंदर जो ये बल्ब है ना उसके अंदर वो पाउडर डालने का शुरू कर दिया. फिर उसकी भी एक लिमिटेशन होती थी कि 20 फायर होगी, 30 फायर होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाता था. देखो ये इजी फ्लैश मेक परफेक्ट पिक्चर्स. देखो ये पाउडर है, पाउडर फ्लैश लाइट आउटफिट. जैसे आज कार्ल ज़ायस के लेंसेज बहुत फेमस है ना, कार्ल ज़ायस का यहाँ पे पूरा कार्ल ज़ायस की दुकान बना दी है. देखो ये कार्ल ज़ायस जी खुद है, कार्ल फ्रेडरिक ज़ायस, जर्मन साइंटिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मेकर और ऑप्टिशियन और बिजनेसमैन थे. देखो उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी है और यहाँ पर उनके सारे कैमराज के बारे में सब कुछ लिखा गया है कि कौन से कार्ल ज़ायस के कैमरा है, क्या है. अमेजिंग, लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अमेजिंग. मैं बोल रही हूँ ना, मैं कंटिन्यूसली ना हिस्ट्री, प्रेजेंट सबके बारे में बहुत फोटोग्राफी में रिसर्च करती हूँ, तब जाके ये कंटेंट बाहर भी आता है. और इतने सालों से इसमें हूँ मैं बता सकती हूँ, इतना तो गूगल को भी नहीं पता होगा जितना यहाँ पे इनको रख के रखा है. अमेजिंग वर्क डन. अगर आप एक फोटोग्राफर हो सही में, मतलब फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हो ना, ये जगह पर ना आना आपकी गलती होगी. मतलब बहुत जगहों पर मैं गई हूँ पर इतनी भारी चीज़ मैंने भी नहीं देखी आज तक. एक एक कैमरा, कोई कैमरा से छोड़ा ही नहीं है यार, सारे कैमराज आ गए. देखो ईयर आफ्टर ईयर. देखो आप इसमें क्या देख पाते हो, पुराने ज़माने की फिल्में. देखो ये भी उन्होंने यहाँ पे रखी है, कितनी कितनी अमेजिंग चीज़ है. देखो ऐसे जो है वो लोग फोकसिंग करते थे तब के ज़माने में और फ़ोटो खींचते थे. सो कूल, सो कूल. ये एक लाइव एक्सपीरियंस कब करने मिलेगा, ये कितने ज़माने जूने हैं पता है. मतलब हमारे बाप दादा के भी पहले के ज़माने के कैमरा है, दादा से भी पहले, पर दादा जैसे लग रहा है मुझे. और वो सारे कैमरा यहाँ पे पड़े हैं आपके एक्सपीरियंस करने के लिए. ये जो है सबसे पहला कैमरा था, प्रोसेस कैमरा. ये इतना बड़ा पता है कैमरा क्यों है, क्योंकि जितना बड़ा इसमें का कैमरा है उतनी बड़ी रील लगती है, और जितनी बड़ी रील लगती है उतना बड़ा उसका रेजोल्यूशन होता है और आप इतना बड़ा उसका प्रिंटिंग कर सकते हो. अभी इसको यूज़ करने के लिए ना दो आदमी लगते थे, पीछे से एक आदमी आ रहा है, आगे से एक आदमी जा रहा है, ऐसे उसको प्रेस करके, हारमोनियम की तरह प्रेस करके यहाँ पे सिर्फ एक फ़ोटो बनती थी. इतनी बड़ी एक प्लेट होती थी, उस पर एक फ़ोटो प्रिंट होता था और फिर जाके आप उसको बड़ा, बहुत बड़ा प्रिंटिंग कर सकते थे. मतलब जो आज आप कैमरा यूज़ करते हो ना वो एक स्मॉल फॉर्मेट कैमरा है और ये लार्ज फॉर्मेट कैमरा है. यहाँ पर जो है ये लोग ने एयरक्राफ्ट कैमरा, मतलब जब वॉर का टाइम होता था तो हमको लगता था कि नॉर्मल कैमरा ही होगा, राइट, ऐसा नहीं होता. जो स्पेशल वॉर के कैमराज थे वो बनाए हैं जिसमें फायर का ये सब जो प्रॉब्लम होता था उससे थोड़ा बहुत ये बच सके. देखो इसकी पूरी पूरी सी पूरी बॉडी अलग है. देखो ये इतने छोटे छोटे कैमराज भी यहाँ पे रखे हैं, हो सकते हैं यहाँ पे इसमें भी फोटोग्राफी होती थी. जिसमें मतलब जो मिनी कैमरा का कॉन्सेप्ट है वो तब से आया. देखो ये लेंस, देखो एक्शन कैमराज जो हमारे अभी गोप्रो के आ गए उससे भी छोटे छोटे कैमराज है. देखो ये लेंस तो देखो इंसान पॉकेट में रख सके, तब से ये चलते आ रहा है. ये कहता था कितने साल पुराना है, मेरा जन्म में नहीं हुआ था, मेरे जन्म के भी पहले का 20 साल, मतलब 1955 का कैमरा है ये, इतना पुराना पुराना कैमरा. बस इससे पोलोराइड है ना, इंटेक्स फूजी फिल्म के जो प्रिंट्स निकलते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी उसकी दुकान है कि सबसे पहला पोलोराइड कैमरा
जो 1948 जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, तब का कैमरा देखो यहाँ पे रखा है. देखो तब में फ्लैश कैसी लगती थी, वो ब्रिटिशर के ज़माने की जो फोटोग्राफी थी वो ये रही. उसके बाद 1965, फिर 1957, 1990, 1977, बाप रे बाप. तो कोई फोटोग्राफी स्कूल को भी नहीं पता होगा जहाँ पे इतना सारा कुछ यहाँ पे आप लाइव देख पा रहे हो. देखो ये सारे प्रिंट्स, फिल्टर्स, कलर फिल्टर्स, तब के ज़माने के कलर फिल्टर्स यहाँ पे रखे गए हैं. ये चीज़ें मिली कैसी ये लोग को? वो तो कैनन का सबसे पहला EOS 620 1987 1976 51, ये है 1963 में इतना छोटा कैमरा वो लोग ने, कैनन वाले ने निकाला था. और आज देखो हमारे सामने हज़ारों कैमरा है कैनन के. तो देखो 1970 अलग अलग लोगोज भी थे कैनन के. देखो हर जगह पे अलग अलग कुछ दिख रहा है. यहाँ पे देखो लोगों के बारे में भी सब कुछ लिखा है. कैनन के 4 बार लोगो चेंज हुए हैं, 5 बार, और छठवां ये अभी लाल वाला है. उस सब के बारे में क्वानॉन, क्वानॉन, कैनॉन, कैनॉन, और अब कैनन आ गया है. यार फोटोग्राफर तो फोटो खींचते हैं, पर यहाँ पे तो फोटोग्राफी की पूरी दुकान बनी हुई है. बैग से लेके कान के झुमके तक सब कुछ फोटोग्राफी के लिए बनाया है. देखो ये मैं लेने का सच में सोच रही हूँ. ये देखो ये पूरी बैग है बनाई है यहाँ पे, कैमरा वाली बैग, 350 की है. और ये देखो ये भी कैमरा वाला है, ये भी कैमरा का है. देखो और आगे देखो यहाँ पे सारी बुक्स बनाई है, जो जो यहाँ पे बुक्स बेचने के लिए सारी बुक्स रखी गई है. तो अगर आप फोटोग्राफर हो और आपको ऑटोग्राफ बुक चाहिए, फोटोग्राफर्स की बुक चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है. कैमरा बुक स्टैंड है, ये स्टैंड बनाया है, और यहाँ पर आप कैमरा का बुक्स रख सकते हो, ऐसा स्टैंड बनाया है. यहाँ पे टी शर्ट्स भी है. यहाँ पे देखो ये कुशन्स हैं कैमरा वाले, फिर ये सारे टी शर्ट्स भी रखे हैं यहाँ पे, टी शर्ट्स भी है. फिर यहाँ पे देखो डायरी भी है कैमरा की, पूरी नॉवेल जैसी बनाई है, पूरी हिस्ट्री दिखाई है ये डायरी में, और एक के बाद एक सारे पेजेस है इसमें. और ऐसा है कवर इसका, हाँ हाँ, टिश्यू रोल्स भी बनाए हैं, टिश्यू रोल्स भी बनाए हैं कैमरा के रोल के डब्बे में. और देखो हमारा जो जूना कैमरा होता है उसकी पूरी कैमरा डायरी बनाई है. कोई मुझे प्लीज़ इसको गिफ्ट कर दो, 4000 रुपये का है. कैमरा वाली जो है ईयरिंग्स है ये, मतलब ये कान के झुमके होता है ना, तो वो TLR कैमरा के कान के झुमके बनाए हैं. देखो यहाँ पे पेन स्टैंड भी बनाया है. यहाँ पे बस आपको अपने ये रखने हैं, पेन रखनी है. अगर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए भी अगर आप इंक में डालो और अपने कहीं भी कोई भी जगह पे आप कैमरा का स्टैम्प कर सकते हो. देखो स्टैम्प्स बनाए हैं सारे. क्या चाहिए आपको, यहाँ पे इसकी भी शॉपिंग हो रही है. तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, और इसमें से हम लोग ने ये बैग ली है. यहाँ पे देखो ये ऐसी वाली बैग जो है मैंने खरीदी, इट्स गुड खेल. सो अभी हम इस म्यूज़ियम के लास्ट मंजिल, जो दूसरी मंजिल है, उस पे आए हैं. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ रखे हैं, ठीक है. और यहाँ पे लाइब्रेरी है, फोटोग्राफी की लाइब्रेरी भी है. चलो हम लोग लाइब्रेरी के अंदर पहले चलते हैं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है फोटोग्राफी के बारे में. लेट्स गेट इट. मैं ना हर जगह जाती हूँ, मैं ये देखती हूँ अरे यहाँ पे कोई बुक है, फोटोग्राफी की बुक है. यार देखो पूरा का पूरा पैलेस है. देखो यहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स का सब रखा गया है, उनके अच्छे अच्छे फोटोज रखे गए हैं. राइटिंग एंड क्रिटिक्स ऑफ फोटोग्राफी, क्लिक कॉन्टेम्प्रेरी फोटोग्राफी, हाउ फेमस फोटोग्राफर्स वर्क. अरे वाह, 20th सेंचुरी फोटोग्राफी, फोटोग्राफी द होल स्टोरी, इमेज मेकर्स, इमेज टेकर्स. अरे क्या नाम है यार, नाम सुन के जान में जान आ रही है. ओह गॉड, मैं पूरा दिन नहीं, मैं पूरा महीना इस जगह पे गुजार सकती हूँ. इंडियन इंटीरियर्स, फेस्टिवल फेयर्स एंड फैक्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये सारे इंडिया के भी बुक्स रखी है यहाँ पे. एलिमेंट्स ऑफ जनरल रीडिंग है ये सारी. और यहाँ पे फोटोग्राफी, इंडिया के साथ फोटोग्राफी का क्या सब तल्लुक था, ब्रिटिश जर्नल फोटोग्राफी, मतलब ब्रिटिशर इंडिया में फोटोग्राफी लेके आए थे, उस एरा से चल रहा है, राइट. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फोटोग्राफी, पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया है भाई फोटोग्राफी की. देखो यहाँ पे फोटोग्राफी,
फोटोग्राफी और सिर्फ फोटोग्राफी, द ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट्स, तो बहुत हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री के ऊपर ही है, ये राइटिंग्स और क्रिटिक्स है. मतलब कहते हैं ना कि फोटोग्राफी में ये अलग होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ये फोटोग्राफर ने ऐसा फ़ोटो क्यों खींचा, उसके ऊपर पूरी बुक्स बनी गई है. देखो फोटो आइकॉन्स, जॉन बर्गर्स वेज ऑफ सीइंग, कैसे आप देख सकते हो. अक्सर टाइटल तो रीड करो, सारे सब कैप्शन बन सकते हैं इंस्टाग्राम के, इतने अच्छे टाइटल है सारे. तो यहाँ पे जैसे कि पुराने ज़माने के जो सारे फिल्म होते थे, जो हम लोग बातें करते हैं ना 120 की जो रील होती है या 35mm फॉर्मेट की जो रील होती है, वो देखो यहाँ पे रखी गई है. अब तो बंद भी हो गई, पर यहाँ पे देखो नॉट फॉर सेल लिखा है, पर यहाँ पे रखा गया है. ये सारे कैमराज है फूजी के. यहाँ पे और भी बुक्स है, आप देख सकते हो, वैनिशिंग होम्स, द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, ये सारी तो फोटो बुक्स, ये सारी जनरल बुक्स है और ये सारी फ़ोटो बुक्स है. फ़ोटो बुक्स का मतलब होता है कि जो अभी सपोज़ कि मैंने 1000 अच्छी शादी की फ़ोटोज़ कैप्चर की है, तो वो सभी जो शादी की फ़ोटोज़ होगी तो वो सभी एक बुक में आ जाएगी. रघु राय बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ़र है, बहुत पुराने, बहुत मंजे हुए फोटोग्राफ़र है, उनकी भी यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है जिसमें उन्होंने सिर्फ फ़ोटोज़ डालते हैं, एशियन फोटोग्राफी है या वगैरह वगैरह. फ़ोटो बुक्स में द पैलेसेस ऑफ मेमोरी, हाउ तस्वीर, ये तस्वीर की चार उन्होंने नॉवेल्स बनाई हैं. गांधी, गांधी के टाइम की जो फोटोग्राफ्स गांधी की खींची गई है, उनकी फोटोग्राफ्स है. फोटो बुक्स. सो एज यू कैन सी कि अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये लिफ्ट में एक फ़ोटो दिख रहा है ना, एक्चुअली ये नेगेटिव फ़ोटो है, मतलब नेगेटिव की पिक्चर, वो फिल्म नहीं होती थी. अभी देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट किया है, हम लोग यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, अब ये खुलेगा तो देखना क्या हो रहा है. उसका ओरिजिनल फ़ोटो अंदर आ गया, बाहर नेगेटिव तो अंदर ओरिजिनल, भगवान करे ऐसी लिफ्ट सब बना दे. यहाँ पे वो जो ओनर है यहाँ के, जिन्होंने ये पूरा म्यूजियम बनाया है, चलो उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं. मैम ये जगह कैसे बनाई, मतलब दिस इज एक्चुअली वन मैनस ड्रीम. द फाउंडर ऑफ द म्यूजियम इज आदित्य आर्या. And 90% of the stuff you see inside is his private collection. He was lucky to meet a few people in the Haryana government who understood the passion and were keen to partner with him. This is actually one of its kind in Southeast Asia and perhaps one of the few examples of a private and a public enterprise. So when you walk through this door, you, like you said, yes, rightly so, that you can live, breathe, eat. I can do anything. Feel the passion, yes, of the man, yes, who has brought this Aditya Arya into is the concrete city. It's, so it's like the Aditya Arya is? Aditya Arya is a photographer. He's been in the profession for 40 years. And he's your husband? He's my husband, yes. So yeah, I mean, we're all very happy that he's managed to realize his dream. Not many people can achieve what he has achieved in his lifetime. And the sole purpose was that he wanted to leave a legacy behind and look beyond just his commercial interests. So he founded a non-profit foundation called India Photo Archive Foundation. And Museo Camera is a result of that. But I must say, being a photographer and being in this industry since so long, my father is also a photographer since like 25 years, right, have never visited a place like this. There isn't one. We look at the Mahal and read the Mahal's history, or we can read the camera's history. Yeah. How interesting. That's the whole idea. That he wanted to give back to society, to the future generations. And this is like an ode to his profession. An ode to a profession which is given him a lot of satisfaction, given him some sort of fame. Sabhi subscribers ye baat samajh sakte hain ki ye satisfaction kya hota hai. That's not the thing. That he, main thing is that he was looking beyond himself and to share his passion with the general public. But I must say, such an interesting place. Thank you so much. Matlab agar kisi ka mood na ho aur yahan pe aa jaye to 100% mood mein aa jaye. Of course, thank photography you ka ek passion. And what a shopping area that you have created. It's, I mean, whenever I go somewhere, even if I'm buying a shorts, your pajama,
वहाँ पे अगर कैमरा दिख गया वो खरीद लेते हैं. यहाँ पे तो सारी चीजें रखी है, इयररिंग भी रखी है. हाँ, तो जो इयररिंग और नेकलेसेस हैं वो हमारी इन हाउस डिजाइनर विचारनो ने बनाई है. ऑल दीज थिंग्स यू सी बिहाइंड अस, यस, दीज हैव ऑल बीन क्रिएटेड इन हाउस. द होल थॉट प्रोसेस इज लेट्स टेक photography into every corner, into every, whether it's a mug or a plant or a bag, a t-shirt or even a cushion cover. So all my money is going to get invested today. I must say, such an interesting place. I'm so glad in my life I've been out here. To be very honest, I've asked everyone to actually make a visit, so at least once. Keep coming back and 100%. Keep sending like-minded people. Surely. Even people who are not interested in photography, come through that door and so that you say, come wow. to know how beautiful this yeah. industry is. Many people think that, you know, photography is like photo khichte hai, but agar ye industry dekhoge to kitni badi hai, and actually you have made it such a way. So pleasure meeting you, ma'am. Thank you so, so much. Glad meeting you. Thank you. सर हमें ये बताइए, वैसे तो आपके वाइफ ने आपकी बहुत तारीफ़ की, आपके पैशन के बारे में बहुत बताया हमें, और ये दिख भी रहा है. मैं इतने सालों से सर फोटोग्राफी सिखा रही हूँ, बहुत मतलब बचपन से ड्रीम था फोटोग्राफर ही बनना. पापा भी फोटोग्राफर है. Really? मेरा भाई है वो भी फोटोग्राफर है, ये मेरा भाई ही wow. है. और आज जब मैं ये देख रही थी, मैंने ये वीडियो में भी बोला, गूगल को भी नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें हैं. और अभी तक ना एक इच्छा होती है कि विंटेज कैमरा कैसा होगा, पर कभी देखा नहीं होता, सिर्फ गूगल पे देखा होता है. ऐसा था लाइव सामने आ गया और फील भी कर सकते हो पिनहोल कैमरा होता क्या है. सर कैसे सोचा, मतलब ना हमको म्यूजियम में, मतलब क्या होता है, पकाएगा म्यूजियम होगा, और फोटोग्राफी का जो आज म्यूजियम बनाया आपने, शायद ही किसी ने बनाया होगा, और तो, इतना अच्छा, वो भी इंडिया में. यू नो, आई हैव बीन अ फोटोग्राफर 40 इयर्स. आई हैव नेवर डन अ जॉब इन माय लाइफ, बट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी from one assignment to another assignment. And to me, I studied history in college, and the history of my profession became my obsession. Yeah, how did this thing start? So I started reading, and 40 years I read and collected cameras. And so today it's very important ki jo aaj ki generation hai usko pata chale ki bhai ye 62 GB card se pehle bahut kuch hua tha. यहाँ पे जो बच्चे आते हैं कहते हैं सर इस ये कैमरा है, हाँ सर इससे सेल्फी कैसे लेते थे. तो यू नो दिस इज द प्लेस टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी. और सर ये भी है, एक तो है ही कि एक जनरेशन को पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से आए हो, इससे आपको ये पता चलेगा आगे होगा क्या. यस, हिस्ट्री पता होने से आप फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि एक सक्सेस रेट. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट योर entire audience to Museo Camera. Done. मैंने कितने लोगों को कितना बताया कि आप यहाँ पे आइए, क्योंकि क्या होता है कि हमको कैसा लगता है हिस्ट्री ना, मतलब मुझे भी अगर हिस्ट्री बड़ी बोरिंग होती है टाइम्स, सो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग. कभी भी कोई इंसान हिस्ट्री के लिए लेक्चर के लिए आता रहेगा, इसमें क्या काम में आने वाला, आज के ज़माने में क्या काम का है, ऐसे बोल के ना छोड़ देते हैं, पर एक्चुअली वैसा नहीं होता. आप सक्सेस जब समझते हो, पूरी हिस्ट्री जब समझते हो, तब जाके कुछ फिर आपको कुछ क्यूरियोसिटी होती है. बिल्कुल. आई स्टार्टेड माई लाइफ इन डेली, बट देन 80 व्हेन आई वाज 20 ईयर्स आई वेंट टू मुंबई. आई लिव्ड देयर फॉर 2 ईयर्स एंड आई वाज द यंगेस्ट फोटोग्राफर इन बॉलीवुड. आई डिड स्टिल्स फॉर फिल्म्स. आई शॉट अ फिल्म कॉल्ड जाने भी दे आ रहा हूँ, कभी सुना है आपने? हाँ. यस, मैंने वो फिल्म देखी भी है. आई डिड द स्टिल्स BMM, एंड BMM में वो फिल्म हमको दिखाते हैं जाने भी दो यार. हां, आई शॉट द स्टिल्स फॉर दैट फिल्म. सो आई वाज 20. सो दैट्स लाइफ, इट टेक्स यू ऑल ओवर, बट फोटोग्राफी टेक्स यू ऑल ओवर. इट चेंजेस यू एज अ पर्सन, इट मेक्स यू एंथुसियास्टिक एंड विजनरी. सो ग्लैड सर कि आपके साथ हमारी बात हुई. बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो फोटोग्राफर बिगनर है, बहुत सालों से काम करते हैं. काफ़ी तो ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो 80 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, 40 साल से, ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं. मैं 40 साल से कर रहा था, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ. नहीं नहीं, एक टाइम के बाद तो भाई इतना अनुभव है, वो शेयर ही करना है लोगों के पास है. सो सारे फोटोग्राफर्स यंग टू ओल्ड सभी को, क्योंकि जो ओल्ड होते हैं ना उनको नॉस्टैल्जिया फील होता है, यंग को क्यूरियोसिटी जागती है, और ये म्यूजियम मतलब बाप है. thank you so much. Thank sir. You. Glad meeting you. Same here. Thank very you very much for you, coming. For making such grateful a wonderful to Nikon to make it possible. And congratulations. Thank you so much, sir.